Hello, ladies. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Sneha. Hello, sir. Myself, Manish. Goa we met? Oh, yes, of course, Manish. How's it going? Working hard? Very hard, sir. Very hard. Good. Good morning, sir. Good morning, Namdev. Yes. Hey, Aliza. How's it going? By the way, अपने dad से कह देना कि आज सुबह उन्होंने जो मुझे golf course पे हराया है ना, तो रात को मैं dinner पे आके उसे chance दे रहा हूँ to compensate for it. Oh, that's why he told mom to prepare Korean barbecue for you. Oh, wow. I'm already pleased. Wonderful. Good morning. Sir, relax, Suju. मैं next time आपके लिए पक्का लेकर आऊँगा. Thanks, buddy. But I like to stick to single malt. Sure. वीर प्रियल कहाँ है? I'll go get her. Yeah. Yeah. Raj is here. Good news, bad news, पता नहीं, but definitely some news. I hope it's not a shocker like last time. ऐसे बिना बताए when he comes ना, God. ठीक है ना? हमेशा से किया handle इस बार भी कर लेंगे. Easier said than done. भैया आप ही समझाइए ना इन्हें. अभी-अभी तो ऑफिस में पैर जमाने शुरू किए हैं गुड्डी ने. पैर जमाने के साथ साथ पर भी निकल आए हैं उसके. आप गुस्सा हम समझ रहे हैं. आपकी बात भी सही है मान रहे हैं. पर गुड्डी को जाने के लाने हमने कही थी. वो तो मना कर रही थी पर हमी ने जिद करके कहा कि झूठ बोल के चली जाओ. गलती हमारी है. शाबाश सुन, शाबाश. जो संस्कार हमने दिए वो रंग ला रहा है. और सिखाओ परिवार से झूठ बोलना, बातें छुपाना. पर बस सुमन, पहले दिन से उसकी गलत हरकतों को बढ़ावा ना देती तो आज जे नौबत नहीं आती. उस कंपनी में जब अर्जी लगाई थी उसने नौकरी के लाने, वो बात तुम्हें पता थी, हमें तो पता ना थी. हम तो शुरू से जय मान के चल रहे हैं कि हम सब एक घर परिवार है, पर तुम माँ बेटी ने गुटबाजी कर रखी अलग से. भैया ने मना किया था गुड्डी को मुंबई भेजने के लाने, पर हमने भैया से कही, भैया हमारा छोटा शहर हमें मुबारक हो, गुड्डी को भेजते हैं बड़े शहर मुंबई. बस इतना ही कहा था ना कि हमारी नाक मत कटवाना, जो सीमाएं बता रहे हैं उसमें समझ के रहना. कहने को तो हम भी कह सकते थे कि नौकरी छोड़ के वापस आ जाओ, पर हमने जे तो ना कही. पिता है हम उसके, दुश्मन थोड़ी है. अच्छा तुम भी चाहती हो गुड्डी के लाने, अच्छा हम भी चाहते हैं. फर्क बस इतो है सुमन, तुम्हें पतो नहीं है अच्छा क्या है उसके लाने, हमें पतो है. राधे सही कह रहा है सुमन, बात की गंभीरता को समझो. हम भी चाहते हैं गुड्डी अपने सपनों की छलांग ले, पर औंधे मुंह ना गिरे जे देखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना. बस वही कर रहा है. हेलो ट्रेनीज, Gen Z born to fly, पर fly करने के लिए भी runway correct होना चाहिए, जो ACS 360 आप सबके लिए provide करता है, right? Right. Sorry, मैंने सुना नहीं ठीक. Yes sir. You know जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ से तुम लोगों को सोचना शुरू करना है, खुद को challenge करना है. Excel वही करता है जो खुद को बीट करना जानता है. And I know, आप सब एक्सेल करना चाहते हो. So here's the thing, मैं एक प्रोजेक्ट हेड कर रहा हूं. It's a special one, a CSR project. Corporate social responsibilities, यानी बड़ी बड़ी कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी. मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ ट्रेनीज मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करें. हाँ मैं जानता हूं कि ये आपकी जॉब प्रोफाइल में नहीं है, इसीलिए अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन फील फ्री टू से नो टू मी टू माय फेस. ग्रेट जेंटलमैन एंड लेडीज, क्या आप सब ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे दिमाग में क्या आइडियाज चल रहे हैं? यस सर. आप में से मैं 5 ट्रेनी सिलेक्ट करूंगा जो मेरे साथ क्लोजली इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. ये 5 चुने हुए ट्रेनीज सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज मुझे पिच करेंगे, ऐसे आइडियाज जो एसीएस 360 को सीएसआर के क्षेत्र में भी बेस्ट बनने में मदद करेंगे. आप लोगों से मुझे आपका इंटेंट, आपका कमिटमेंट और आपकी एनर्जी चाहिए.
रियल एमिली ने वो हैंड पिक ट्रेनीज की लिस्ट मेल की है. वुड यू डू द ऑनर्स प्लीज? श्योर. यार तू तो सिलेक्ट हो ही जाएगी. ऑफियो अगर तू सिलेक्ट हो गई ना प्लीज मुझे रेकमेंड कर देना. ऑफियो. सो गाइस द मेन फाइव आर एलेक्स, रियांश, मनीष, सर हम जान लगा देंगे सर. थैंक यू सो मच सर. अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. द फोर्थ नेम इज कार्तिक और लिस्ट में आखिरी नाम है राधिका. राधिका तू टेंशन मत ले यार इतना. सॉरी यार प्रीति, तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है. कोई कंपटीशन चल रहा है क्या गाइस? कोई प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती. हम सब अपने अपनी लाइफ के हीरोइंस हैं और हम सबके लाइफ में विलेंस हैं. कभी लोग, कभी सिचुएशन, तो कभी दोनों ही. झांसी अब प्री से इंस्पायर मत हो ना. डिटेल्स में बता क्या हुआ है. देख तेरी फैमिली चाहती तो शादी कर ले. राइट, उन्होंने lifesathi.com पे हमारा प्रोफाइल बना दिया है बिना हमसे पूछे. अब वो कह रहे हैं कि जो मैच बने उनके हिसाब से जो सही है उन लोगों से आके हमें मीटिंग करनी पड़ेगी. आर यू किडिंग मी? अरेंज मैरिज, उन्हें लगता है ये सही है तेरे लिए? हाँ, क्योंकि घर परिवार के माहौल में रहेंगे तो काम करने के वजह से हम जो अपने संस्कार भूल जा रहे हैं, सीमाएं लांघ रहे, वो नहीं होगा. शादी सीमा संस्कार के लिए नहीं की जाती, प्यार के लिए की जाती है. राधिका हमें अरेंज मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है वैशाली. रियली? हाँ, हमें बस इस बात से प्रॉब्लम है कि हमें फोर्स क्यों कर रहे हैं. हमें शादी नहीं करनी, हमें ना जॉब करना है, हमें काम करना है, हमें हमारा करियर बनाना है. शादी करके कोई ससुराल वसुराल में चले जाएंगे वो हमसे कहेंगे कि ये काम करो वो. हमें उनके हिसाब से नहीं जीना है अभी. मुझे तो शादी से भरोसा ही उठ रहा है. गर्ल्स लुक व्हाट इट डज टू पीपल. राधिका मेरी बात सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तेरी फैमिली कितना भी बड़ा चढ़ा के किसी लड़के के बारे में तुझे बताए, अगर तेरा दिल ना बोल रहा है ना तो प्लीज मना कर देना. पार्टी करें क्या? हमें करनी है आज अभी, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई संस्कार नहीं छोड़े हैं पीछे, हमने कोई सीमाएं नहीं लांघी. पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा. पार्टी के लिए वी नीड मोर पीपल एंड आई नो द बेस्ट पीपल टू पार्टी विद. अरे वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा भगवान है. राधिका बेटा आज बिल्कुल भी लौकी की सब्जी खाने का मन नहीं था. आप भी ना, पर ये पिज्जा पार्टी हो किस खुशी में रही है ये तो बताओ. पार्टी क्यों? एक्चुअली मेरे फेयरवेल की पार्टी है. क्या? क्यों? क्या हुआ प्रीति, ऐसे अचानक शिफ्ट क्यों कर रही हो तुम? वो एक्चुअली मेरा सैलून, मेरा ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है एंड वर्किंग आवर्स भी ज्यादा है तो यू नो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए इसलिए. पर कोई बात नहीं, हम लोग सैड नहीं होंगे, हम लोग पार्टी करेंगे. पार्टी? पार्टी? हाँ, मेरे को तो कभी किसी ने बुलाया नहीं पार्टी वार्टी के लिए.
आप पिज्जा खाती हैं? गार्लिक ब्रेड भी। कौन सा पिज्जा मंगा रहे हो? तुम कौन सा खाओगे? पनीर टिक्का। तो चलो लेट्स पार्टी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। ऊपर से नीचे तक काटा लूंगा। डाकू है सीना। अरे क्या तुम लोग भी इतना इजी था, नहीं पहचाना? पठान। तुमने वो गाना नहीं सुना, बेशरम रंग? वही तो कर रही थी मैं। नहीं नहीं नहीं, you're correct आंटी, my bad। अरे तुम लोग का ना सड़ा हुआ पार्टी है क्या ये? अरे थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक लगाओ, डांस करेंगे तो मजा आएगी। आंटी सोसाइटी ने शोर का कंप्लेन किया तो? अरे बहन इधर, कौन करेगा कंप्लेन? श्रीमान तेरे पास है क्या? क्या? अरे क्या? अरे वोडका रॉन्ग बियर। वो जब अंदर जाएगा ना तो फिर मेरा परफॉर्मेंस इससे बाहर आएगा, फिर देखना शड़ास का परफॉर्मेंस। इतने दिन कहाँ थी? अरे रिंकू बेटा, जाओ जरा स्कॉच लेकर आओ, आज मिसेस तालुस्कर के साथ चेयर्स करेंगे। हाँ हाँ, बिस्की आइस चकना सब लेके आता हूँ। हम भी आते हेल्प करने। आराम से आराम से। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.